नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म से फैंस के दिलों में छा जाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल को लेकर भला कौन नहीं जानता। अपने करियर में छोटे बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं अमीषा पटेल का आज जन्मदिन है। अमीषा का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई में हुआ था। अमीषा ने साल 2000 में अपने करियर की शुरुआत कहो ना कहो प्यार से की थी। इस फिल्म में अमीषा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अमीषा ने अपने अब तक के करियर में करीब 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हालांकि फिर भी अमीषा का करियर खास मुकाम पर नहीं जा पाया। अमीषा की लव लाइफ के बारे में लोग कम ही जानते हैं, तो आइए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं कि कैसे एक्ट्रेस की लव लाइफ है। जब अमीषा करियर की शुरुआत में थी उसी वक्त एक्ट्रेस के फेमस फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट के लिंकअप के किस्से सामने आने लगे थे। कहा जाता है कि दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। अमीषा के घर वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। अमीषा ने एक बार साफ किया था कि विक्रम के साथ के रिश्तों को उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे, जिससे घर पर विवाद होता था। अमीषा पटेल वो एक्ट्रेस है जिसका नाम लंदन के बिजनेसमैन कनव पुरी के साथ भी जुड़ चुका है। बहुत खबरों में रहा कि कनव और अमीषा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। खुद अमीषा ने भी एक बार कहा था कि वह कनव को डेट कर रही है, लेकिन 2010 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप की पुष्टि भी अमीषा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में की। प्रीति चिंता और नेस वाडिया के अफेयर के बारे में अक्सर बातें होती हैं, लेकिन फैंस को शायद ही पता होगा कि अमीषा पटेल का नाम बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ भी जुड़ चुका है। कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी गंभीर थे। नेस अमीषा से शादी तक करना चाहते थे, हालांकि एक्टर्स ने उस वक्त अपने करियर को चुना। एक वक्त पर रणबीर कपूर और अमीषा पटेल के रिश्ते के बारे की बातें भी सामने आई थी, हालांकि इन बातों पर कभी आधिकारिक मोहर नहीं लग पाई थी और खुद अमीषा ने भी इस पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन फिर भी गंभीर रिलेशन में रहने वाली अमीषा आज भी सिंगल लाइफ जी रही हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बोल्ड अंदाज में फैंस को हैरान करती रहती हैं। अमीषा को फैंस ने एक लंबे समय से किसी अच्छी फिल्म में नहीं देखा है। एक्ट्रेस को आखिरी बार बिग बॉस 13 में देखा गया था, लेकिन शो में मालकिन के रूप में नजर आने वाली अमीषा का चैप्टर अचानक से ही मेकर्स ने बंद कर दिया था। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।